यह सच है कि बगैर आग के धुआं नहीं उठता, और अगर धुआं उठ रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी। यह बात आई कहां से? कौन है यह चेरी ऑटोमोबाइल जो कि टाटा मोटर्स में पैसे लगाने वाली है और अपनी कारें भारतीय बाजार में लाने वाली है? क्या इससे टाटा मोटर्स अब चाइनीज बन जाएगी या चेरी टाटा कहलाएगी या टाटा चेरी पार्टनरशिप कहलाएगा? आखिर कंपनी के नाम से क्या फर्क पड़ेगा? क्या यह टेकओवर है? ओह माय गॉड, अगर इतने सारे कंफ्यूजन है और दिमाग में सवाल घूमने लगे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, तभी सही आंसर मिलेगा, वरना आधी बातें तो अफवाह बनती हैं, सच्चाई कभी नहीं। पूरी बात जानने के लिए पूरा वीडियो देखना ना भूलिए। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। लेकिन जब भी हम खबर पहली बार देते हैं तो लोगों को भरोसा नहीं होता है। सच है कि धुआं भी है और आग भी है, और आग किसी और ने नहीं लगाई। यह इन्फॉर्मेशन किसी और सूत्रों के थ्रू नहीं आई कि अफवाह कही जाए, यह इन्फॉर्मेशन खुद टाटा मोटर्स की तरफ से ऑलमोस्ट दी गई है। टाटा मोटर्स ने 27 को एक हमें ईमेल भेजा, उसमें यह कहा कि शैलेश चंद अब नए कंपनी के सेल्स एंड मार्केटिंग हेड होंगे, वह भी पैसेंजर व्हीकल डिवीजन के। वो डिवीजन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के हेड थे उसको मर्ज करके बनाई जा रही है। इस समय सेल्स एंड मार्केटिंग हेड मयंक पारीख, उनका रिटायरमेंट ड्यू था, उनको एक्सटेंशन दे दिया गया है 1 फरवरी 2021 तक। अगर आपको याद हो, मैंने अपनी कार की स्टोरी जो अपने चैनल पर देता हूं उसमें यह बात लगभग 27 तारीख को ही एग्जैक्ट आपको दे दी थी, जैसे ही टाटा मोटर्स की तरफ से ईमेल आया था। और उस ईमेल में क्लियरली इशारा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन पैसेंजर व्हीकल डिवीजन को मर्ज कर दिया जाएगा और यह अब नए पार्टनर ढूंढेगा, और वो पार्टनर कोई और नहीं, पुराना 2012 का पार्टनर है। हाँ हाँ, यह सच है कि टाटा मोटर्स एक चाइनीज कंपनी के साथ 2012 से जुड़ा हुआ है। वो चाइनीज कंपनी कोई और नहीं, चेरी ऑटोमोबाइल है, और टाटा मोटर्स की लैंड रोवर जगुआर चाइना मार्केट में चेरी ऑटोमोबाइल के प्लांट में तैयार होती है, यानी इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर प्लांट में तैयार होती है, और वहां पर चेरी ऑटोमोबाइल के थ्रू ही बेची जाती है। यानी यह ज्वाइंट वेंचर आज का नहीं, 2012 का है, और यही वजह है कि चेरी ऑटोमोबाइल ने जब भारतीय बाजार में आने का सोचा और टाटा मोटर्स को जब तगड़ा घाटा होने लगा तो उन्होंने प्लान किया कि वह अपने पैसेंजर व्हीकल डिवीजन में नए पार्टनर ढूंढकर इसे किसी तरह स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। आज की तारीख में टाटा मोटर्स का पर कार घाटा सबसे अधिक है इंटरनेशनल मार्केट में। अभी एक सर्वे रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार 28 ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के बारे में बात की गई थी, जिसमें सबसे टॉप पर थी फरारी, जो कि सबसे अधिक पर कार प्रॉफिट पर बेचती है, और सबसे कम थी टाटा मोटर्स, जो सबसे ज्यादा घाटा उठाती है पर कार पर। और यह घाटा उठने की वजह बहुत सारी हो सकती हैं, कंपनी में मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, स्टाफ की सैलरीज हो सकती हैं, प्लांट का मैनेजमेंट सही नहीं है, एडवर्टाइजिंग खर्च का हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन यह बात सभी शेयर होल्डर्स जानते हैं कि टाटा मोटर्स के शेयर्स इस समय ऑल टाइम लो पर जा रहे हैं, जो पिछले कई सालों से ऐसा कभी नहीं हुआ। पिछले 6 महीने में यह 3 से लेकर 5 गुने नीचे आ गए। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एक्यूरेट फिगर्स आ जाएंगी। मैंने आपको मोटा आइडिया दिया, इस समय 70 रुपये के आसपास है, जबकि महिंद्रा 300 कुछ के ऊपर जा रहा है और मारुति तो 3-4 हज़ार। तो ऐसे हालात में जब टाटा मोटर्स का मार्केट इतना ख़राब हो तो वह अगर एक पार्टनर देख रहे हैं अपने लिए तो कुछ गलत नहीं कर रहे। यह है कारगुरु की सोच। यानी अगर टाटा मोटर्स कल को चाइनीज टाटा मोटर्स कहलाए या कोई चाइनीज पार्टनर लीड करे तो ताजुब करना गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे टाटा मोटर्स का फायदा है, और हर बिजनेसमैन सबसे पहले अपना फायदा सोचता है, और अगर नहीं सोचता है तो यह बिजनेस नहीं कर रहा है। और जब कंपनी में आम पब्लिक के पैसे लगे हों, शेयर मार्केट से लिया हुआ पैसा लगा हो, तो शेयर होल्डर्स के पैसे की हिफाजत करना भी कंपनी की जिम्मेदारी है, और टाटा मोटर्स इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए चेरी ऑटोमोबाइल के साथ अगर जुड़ के काम करना चाहता है तो कुछ गलत नहीं है। पहली खबर तो यह थी कि टाटा मोटर्स ने खुद कहा। दूसरी खबर कहाँ है? अगर हाँ, आप गूगल करते हैं तो भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है।
आप गूगल पे सीधा टाइप कीजिए चेरी मोटर्स इंडिया, तो कुछ साइटें खुलती हैं, उन साइटों के टाइप लाइन में ही क्लियरली मेंशन है कि टाटा मोटर्स चेरी के साथ मिलकर काम कर रहा है। पहला पेज देख ले, दूसरा पेज देख ले, गूगल क्यों झूठ बोलेगा? और कोई एक दो वेबसाइट नहीं बोल रहे हैं, ये खुद सब कह रहे हैं, तो आखिर क्यों कह रहे हैं? वजह सीधी सच्ची है कि यह हो रहा है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब भी हम खबर पहली बार देते हैं तो लोगों को भरोसा नहीं होता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैंने कहा था कि टाटा की रेसमो नहीं आएगी क्योंकि इस कार में टेक्निकली ये कमियां हैं। सबने कहा आप झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। कोई भी नीचे कमेंट ऐसा नहीं था जिसने इस सच्चाई को एक्सेप्ट किया हो। लेकिन आज 3 साल 1 महीने बाद अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे अमित जी ने जो बातें कही थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। वैसे ही जब मैंने कहा था महिंद्रा अपनी XUV500 से ऊपर के लेवल की एक कार लेके आने वाला है जिसका नाम शायद XUV700 हो या कुछ और हो, तब भी लोगों ने भरोसा नहीं किया। लेकिन 3 साल बाद वह भी खबर सच हुई और अल्टोस G4 हम और आप चला चुके हैं। ऐसे ही मैंने जब कहा था H5X के बारे में कि यह एक कॉन्सेप्ट कार नहीं प्री प्रोडक्शन कार है, तब भी लोगों ने कहा कंपनी तो कॉन्सेप्ट कह रही है और लेकिन आप लगे पड़े हो प्री प्रोडक्शन के गाना गा रहे हो, आप गलत हो, झूठे हो। लेकिन जब कार लॉन्च हुई तब सब ने मान लिया। लेकिन सच बात तो यह है कि लोग जब आपको सही नहीं मानते हैं, क्यों? क्योंकि आपने पहली बार बताया होता तो उन्हें हजम नहीं होती आपकी बात, तो वो आपको झूठा कहते हैं। लेकिन जब बात सच साबित हो जाती है तो कोई आके कमेंट पर यह नहीं लिखता कि आप सच साबित हुए। कोई बात नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं होती है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं वो तब पहुंचाऊं जब 100% एक्यूरेट हो चुकी हो। और जब टाटा मोटर्स ने खुद 27 अप्रैल को यह हिंट दे दिया कि वह अब एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो वह पार्टनर जाना पहचाना परिचित पार्टनर है चेरी ऑटोमोबाइल। चेरी ऑटोमोबाइल इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अच्छा कर रहा है, कई कंट्रीज में इसके असेंबलिंग प्लांट हैं ऑलरेडी, टर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान में भी वह अपनी प्लानिंग कर रहा है, इंडोनेशिया। ऐसे हालात में चेरी ऑटोमोबाइल के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, इस समय 4th नंबर का मार्केट है और वर्ल्ड में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और चेरी ऑटोमोबाइल के लिए ऐसा भरोसेमंद पार्टनर टाटा जैसा मिलना भी मुश्किल है और इसीलिए वह इसको प्रेफर कर रहा है। अब यह जॉइंट वेंचर क्या 50-50 होगा या 51-49 होगा या 30-70 होगा, वाट एवर डेट होगा, लेकिन यह हो रहा है और ऑलमोस्ट हो चुका है। किसी भी दिन टाटा मोटर्स और चेरी ऑटोमोबाइल इसे ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे। ना गूगल झूठ बोल रहा है, ना टाटा मोटर्स झूठ बोल रहा है, ना कारगुरु बताते समय, तो सच क्या है वह आपको मानना पड़ेगा। हाँ, इससे फायदा क्या होगा यह मैं आपको बता दिया। फायदा यह होगा कि टाटा मोटर्स के पास अब एक से एक बेहतरीन कारें आ जाएंगी जो इंटरनेशनली तैयार होंगी। दूसरी वजह, उनकी R&D पे मोटा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, जबरदस्ती डिजाइन पे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, जिससे कारों की कीमत कम रखने में हेल्प मिलेगी। भारतीय बाजार कीमत को लेकर बहुत सेंसिटिव है और अल्ट्रोज की कीमत अगर ज़्यादा है या हैरियर की कीमत लोगों को ज़्यादा लगती है तो वो कीमतें कम रखने में हेल्प मिलेगी आगे आने वाली नई कारों में, क्योंकि वह टेक्नोलॉजी ऑलरेडी चेरी ऑटोमोबाइल लेके आएगा और टाटा मोटर्स के साथ मिलके जब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेगा तो कीमत काफ़ी कम हो जाएगी और इसका फ़ायदा हम कंज्यूमर्स को मिलेगा। तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं मुझे लगता है एज ए कारगुरु। आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? पहली बार देने पे हो सकता है आप में से कई लोग यह कहें कि नहीं 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 मैं हजम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल परेशान नहीं होइए, इससे आम कंज्यूमर का फायदा ही फायदा है। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। और यह भी मुझे बताइए, क्या आप मानते हैं कि इससे टाटा मोटर्स को हेल्प मिलेगी कारों की कीमत कम रखने में, क्योंकि R&D का पैसा काफ़ी बच सकेगा, वह भी लिखना ना भूलिएगा। और यह जॉइंट वेंचर से क्या आप भी अपना फायदा फील कर रहे हैं, वह भी लिखिएगा, अच्छा लगेगा। हाँ, यह इन्फॉर्मेशन जब आपको एक वीडियो के थ्रू देने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपको कैसी लगी? अगर पहली जानकारी पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, नहीं पसंद आई है डिसलाइक का बटन दबा सकते हैं। लेकिन सोचिए, क्योंकि डिसलाइक अगर आप चाइना की वजह से कर रहे हैं तो वो जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि मेहनत तो कारगुरु की है आप तक पहुँचाने की। इसलिए एक लाइक
जरूर कीजिएगा। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज, रिव्यूज, आपके क्वेश्चन आंसर और ऐसी ही नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई जानकारियाँ आपके पास पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुलाकात होगी हमारी और आपकी अगले वीडियो में। देखते रहिए आस्क कार गुरु।